प्रोडक्ट है, हाउस होल्ड गोल्ड है, किचन गार्डन प्रोडक्ट है, ट्रैक्टर पंप स्प्रेयर है, कार वाशर मिल जाएंगे, ब्रश कटर मिल जाएंगे अपने पास, छोटे गार्डन पंप आरी वगैरह सब कुछ मिलेगा, गन मिल जाएगा। अपना जो एड्रेस है वो श्री गंगानगर से आए हैं हम, हमारा 32 साल पुराना काम है, हमारा खुद का ही मैन्युफैक्चर का काम है, किसान को रेट क्वालिटी टोटली में हमारा मतलब ये रहता है कि क्वालिटी किसान को अच्छी क्वालिटी मिलती है। कुछ विशेष या कोई नई चीज जो आप नई से नई चीज होते हैं, अभी ये नई इस बार चीज आई है, ये चोबे लगाने वाली नई मशीन आई है जी, ठीक है, होटल लगाना, इसमें अगर किसान बिजाई करे तो एक बीघे सिर्फ 400 ग्राम से पैकेट में एक बीघे की बिजाई हो जाएगी और 100% उगाव है, 100% बीज की कोई वेस्टेज नहीं है और कुछ भी नहीं है और सीट टू सीट और मतलब जगह जितनी मेंटेन है उससे ज्यादा मतलब अच्छी बीज, ठीक है। इसको यूरिया इसको फर्टिलाइजर क्या क्या आइटम है इस टाइम? सर हमारे दो नए प्रोडक्ट आए हैं, एक तो नैनो यूरिया है और डीपी है। नैनो यूरिया तो आप है ना प्रचलित है ही, किसान इसका प्रयोग कर ही रहे हैं, लेकिन अभी रिसेंटली इसकी है ना व्यावसायिक उत्पादन की अनुमति भारत सरकार से मिल चुकी है और बहुत जल्दी बिक्री के लिए आएगा। एक एकड़ के लिए है 5 ml पर लीटर पानी के हिसाब से एक एकड़ में यूज होना है और लगभग 600 रुपये इसका रेट रहेगा। किसान जो भी है डीपी को रिप्लेस करेगा, डीपी का जो रेट है अभी 1350 रुपये प्लस 2467 रुपये सब्सिडी है, तो अगर लगभग 1.3738 पड़ रहा है, ये केवल 600 रुपये में पड़ेगा, तो किसान की मतलब भारत सरकार की पैसों की बचत होगी, किसान के पैसे की बचत होगी, मिट्टी की जमीन खराब होने से बचेगी, वातावरण बचेगा, पानी खराब होने से बचेगा और मानव स्वास्थ्य ये बचेगा, तो लागत कम होगी किसान की। और मैं कह रहा हूँ ये एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बहुत बड़ा कदम हो जाएगा इन दोनों उत्पादों से, तो आप आए इस पधारे स्टॉल पे, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। चल रहे हैं कोई भी आइटम लाके आयो ओवर ले लो, देसी गाय की जगह रिजल्ट नहीं मिलेगा, किसी प्राणी में नहीं मिली। क्या विशेष चीजें हैं जिसका आप स्पेशल बताना चाहेंगे? हमारा उद्देश्य मेन बायो प्रोडक्ट लेके आए हैं, इसमें हमारा स्पेशल आज जेपा, जिस क्षेत्र में पानी की कमी है तो ये जहाँ पे पानी की कमी होती है वहाँ पे जब अपने इरिगेशन करते हैं तो ये आप अपने दाने का एक साइज का 450 गुना पानी ज़्यादा जरूरत है। जब अपने पौधों के पास पानी की कमी आती है तब ये पानी छोड़ता है, जैसे हमने इस लास्ट डे में डाला था सेम पानी डाला है, ये इसका एक पार्टिकल पानी खोलकर आपका 400 गुना ठीक है, पानी तो ये अपने पानी ऑब्जर्व करके रखता है और जब पौधे को जरूरत पड़ती है, जब कमी होती है पानी की तब छोड़ता है, तो पौधा मरता नहीं कहने का मतलब इसका। ठीक है, अपने ज्यादा बारिश होने के कारण लीचिंग हो जाती है, न्यूट्रिएंट नीचे चले जाते हैं, हाँ उनको भी ये जड़ों के पास रखते हैं जरूर, ठीक है, धन्यवाद। इरिगेशन सिस्टम क्या क्या आइटम हमारे पास है? बूंद बूंद सिंचाई, पीवीसी का, सौर ऊर्जा का, ये सभी सवाल है। 70% तक पानी की बचत हो सकती है, डबल अपना प्रोडक्शन डबल कर सकते हैं। से व्याख्यान हो उनका आप लाभ उठाएं। मैं आप सभी उपस्थित जनों को अवगत कराना चाहता हूं कि आज का यह किसान मेला भारत सरकार के जागरूकता कार्यक्रमों व कृषि विज्ञान केंद्र गामोत्थान विद्यापीठ कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों तथा कृषि एवं संबंधित अन्य विभागों के अधिकारियों के लंबे अनुभव से किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से इस मेला का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले के तकनीकी सत्र के बारे में मैं किसान भाइयों को बताना चाह रहा हूं कि प्रत्येक व्याख्यान के बाद किसानों से उस व्याख्यान से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, जो भी काशकार इन सभी प्रश्नों का उत्तर देगा उसको पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। लेकिन इस प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम की यह शर्त हो रहेगी कि जिस कृषक को एक बार पुरस्कार मिल जाता है कृपया दोबारा वो हाथ खड़ा ना करें और भी किसानों को मौका दें, क्योंकि एक किसान को पुरस्कार सिर्फ एक बार ही दिया जाना है। अतः किसान भाई प्रत्येक व्याख्यान को बड़े ध्यानपूर्वक सुने ताकि वो प्रश्नों का सही उत्तर दे सकें।